हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो एक पावर प्लग बोर्ड के ऊपर है। तो देखिए, इस पावर प्लग का कनेक्शन किस तरह से करेंगे। ये पावर प्लग में एक सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर और फ्यूज, इन चारों का कनेक्शन करना है। देखिए, इसका कनेक्शन सिंपल और आसान तरीके से कैसे करेंगे। इसको पलटने के बाद देखिए, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये दोनों टर्मिनल फ्यूज का है, ऊपर वाले ये दोनों टर्मिनल फ्यूज का है और ये नीचे वाले ये दोनों ये इंडिकेटर का है। ये स्विच का हो गया ऊपर नीचे, ये सॉकेट का है और ये अर्थिंग के लिए। तो देखिए, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फेस वायरिंग का कनेक्शन करते हैं, यानी कि एल का कनेक्शन। एल मतलब फेस वायरिंग का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम फेस वायरिंग का कनेक्शन करेंगे, एक पॉइंट फ्यूज का, एक पॉइंट इंडिकेटर, इन दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए, तार को पहले से मैंने छील कर रखा था क्योंकि वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो, इसलिए मैंने ये तार को पहले बना लिया था। देखिए, एक पॉइंट फ्यूज का, एक न्यूट्रल का, इसका कनेक्शन हो गया। अब देखिए, इसका कनेक्शन फ्यूज और इंडिकेटर का हो गया। अब इससे स्विच में नीचे वाले पॉइंट में लेंगे, स्विच के निचले पॉइंट में लेंगे। देखिए, स्विच के निचले पॉइंट में ले रहे हैं। अब इसको आपको समझा देते हैं, देखिए किस तरह से है। यहाँ पे फ्यूज है, फ्यूज जैसे ही यहाँ से लाइट फ्यूज जोड़ेंगे तो यहाँ से लाइट यहाँ आएगी और यहाँ से होते हुए एक फिर फ्यूज से इंडिकेटर तक आया, इंडिकेटर से होते हुए इस स्विच के निचले पॉइंट पे आ रहे हैं। अब हमें इस स्विच से सॉकेट को ऑन ऑफ कराना है, इसके लिए एक छोटा सा हाफ तार लेंगे। ये देखिए, एक छोटा सा हाफ तार ले रहे हैं, जिस तरह से आपने इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं अगर उसमें आप देखे होंगे तो इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी कि किस तरह से कनेक्शन किया जा रहा है। और नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो से आप समझ जाएंगे किस तरह से कनेक्शन करना है। इस सॉकेट के एल वाले पॉइंट में लगा दिया और ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दिया, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दिया। ये देखिए, फेस का कनेक्शन हो गया, यहाँ से लाइट यहाँ तक आएगी, यहाँ से होते हुए यहाँ तक आई, स्विच को ऑन करेंगे तो इससे सॉकेट में आए। अब देखिए, न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास दो न्यूट्रल पॉइंट हैं, एक यहाँ पे इंडिकेटर का होंगे और एक सॉकेट का। इस पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। देखिए किस तरह जोड़ेंगे, ये इंडिकेटर का पॉइंट है तो इसको मैंने तार जोड़ दिया और एक सॉकेट में न्यूट्रल लेना है। तो न्यूट्रल के लिए देखिए, मैंने एक ब्लैक तार का यूज कर रहे हैं। ये न्यूट्रल वाले पॉइंट को पॉइंट में कस दीजिए। ये देखिए, न्यूट्रल वाले पॉइंट में कस दीजिए, यहां से होते हुए ये बाहर निकल जाए। अब फेस का कनेक्शन करना है, तो फेस के लिए मैंने लाल तार लिया है। इसका देखिए कनेक्शन किस तरह से करेंगे। फिर से समझा देते हैं। यहाँ से देखिए, मैंने फेस लाइन दिया
इसे यहाँ से लाइन फ्यूज को जैसे ही 1500 से रीच करेंगे बांध देंगे फ्यूज को, तो यहाँ से लाइट यहाँ पे आएगी और यहाँ से होते हुए ये फ्यूज तक आ गए। फ्यूज को जैसे ही ऑन करेंगे ये देखिए नीचे वाले पॉइंट से ये नीचे वाले तार जो आया है तो सॉकेट में आ गया, फिर इसको कनेक्शन यहाँ तक आ गया। अब न्यूट्रल देना है, एक पॉइंट देखिए इंडिकेटर का है, यहाँ से तार को हमने उठाया और एक सॉकेट में ला कर कनेक्ट कर दिया और देखिए उसके लिए काला तार दोनों को जोड़कर बाहर निकाल दिया, तो इससे न्यूट्रल मिल जाएगी और इससे फेस मिल जाएगा। इसका कनेक्शन देखिए लगभग पूरा हो गया। अब इसको आप दो तार को जोड़ देंगे, इसमें कनेक्शन सप्लाई चालू हो जाएगी।